यार मैंने तो इंस्टा स्टोरी डाला था ये सोच के कि आई गेट अ गुड रिस्पॉन्स, बट आई एम गेटिंग थिंग्स लाइक ग्रे, रेनबो एंड नियॉन. मुझसे फर्स्ट चैलेंज में तो ये ना हो पाएगा, सो आई थिंक वी गोना हैव टू गो द शिट वे. मतलब हम लोग अगर रोज खाना खाते हैं तो नॉट मेनी थिंग्स आर पिंक, इसलिए करने में मजा आएगा. तो लेट्स गेट रेडी. एंड दिस इज द फुल आउटफिट. आई हैड दिस पिंक बेरी, मैंने शीन के को तो सेल में लेके रखा था, मैंने अभी तक यूज नहीं किया. इट स्टिल हैज द टैग्स ऑन. फिर मेकअप इतना सारा पिंक किया है, पिंक आईलाइनर और ब्लश को आई शैडो के तरीके लगा लिया. देन आई हैव दिस बेबी पिंक स्वेटर जो दो साल पहले लेके रखा था. एंड देन दीज पैंट्स, इट्स लाइक फेट वॉज मेंट टू बी, क्योंकि लास्ट वीडियो में ही मैंने ये पैंट्स लिए थे एंड दे मैच परफेक्टली विद द होल लुक. आई मेड टू एड अ बैग एंड पेयर ऑफ शूज. एंड मैं जो भी सुपर मार्केट जाऊंगी वहाँ पे लोगों को बहुत मजा आने वाला है हंसने में. नाउ इट्स टाइम टू सिट एंड डिसाइड टुडेज मेन्यू. मुझे कुछ नया करना है पिंक में यार, कुछ हटके करना है, इसलिए वी विल हैव ओनली इंडियन पिंक कलर फूड टुडे. लेट्स गो शॉप. ब्रेकफास्ट एंड इतना अच्छा लग रहा है, पिंक पोहा मैंने तो कभी नहीं देखा, ना कोई वीडियो में ना रियल लाइफ में. सिर्फ टेंशन है तो मुझे दूध का टेंशन है, क्योंकि इसमें पोमेग्रेनेट जा चुका है, बहुत सारा बीटरूट जा चुका है, तो मुझे मालूम है टेस्ट कैसा है. बट लेट्स प्ले सेफ एंड स्टार्ट विद द पोहा, क्योंकि भूख तो बहुत लगी है. ऑल्सो ये आइसक्रीम की चम्मच है, क्योंकि आई डोंट हैव अनदर पिंक स्पून. लेट्स गो. इट्स द सेम. मेरे घर जो नॉर्मल पोहा बनता है ना, डिट्टो सेम है. कोई नहीं बोल सकता कि इसमें बीटरूट है, बहुत सही है. It's actually not bad.
आई थिंक बीटरूट का फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि किसी भी चीज़ पर डाल के उसका एकदम ऐसे उभर के टेस्ट आए, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। इसमें शुगर काफ़ी ज़्यादा है, 2 चम्मच शुगर गई थी इसमें, तो मे बी इसलिए अच्छा टेस्ट आ रहा है, बट पोमेग्रेनेट का टेस्ट इज मच मोर देन बीटरूट। Now I'm about to order 2 drinks. One is a kokum sarbat and one is soul kadi. Soul kadi usually chhas jaisa hi hota hai, lekin it's pink. Yahan pe photo nahi hai. So I'm hoping this will be the authentic soul kadi. The soul kadi is for 36 rupees and kokum sarbat is for 25 rupees and it should come in about half an hour. So finally it's time for kind of an early lunch क्योंकि breakfast अभी खाया है, but we were just prepping up पूरे दिन का खाना एक साथ and अभी जाके सब cooking ख़त्म हुआ है, so I'm gonna sit to have lunch. अभी हमने beetroot ही use किया है सारे dishes में, तो beetroot का color ना धीरे धीरे उतर रहा है क्योंकि artificial color नहीं है, but still everything is very very pink. सोल कड़ी भी थोड़ा सा स्प्लिट हो गया है बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ कोकम एंड बटर मिल्क आई थिंक, तो वी जस्ट मिक्स इट. सो टेस्टी, इट टेस्ट सो मच ऑफ कोकोनट. डोसे के साथ जो कोकोनट चटनी आता है ना, एकदम वैसा टेस्ट है. आई लव इट अ लॉट. नाउ व्हाट शुड वी टेस्ट फर्स्ट? आई थिंक लेट्स गो फॉर रायता, बिकॉज बीटरूट का रायता इज समथिंग जो मैं वैसे भी खाते रहती हूँ. इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी स्वीट. बीटरूट का नेचुरल टेस्ट बहुत अर्दी एंड स्वीट होता है ना, एंड दही के साथ बीट एक्चुअली ज़्यादा स्वीट लगता है. तो रायते में रायता इज़ द फर्स्ट थिंग जिसमें मुझे एक्चुअली बीटरूट का टेस्ट आ रहा है, सो दैट्स नाइस. लेट्स ट्राई द रोटी. नॉर्मल रोटी, घी वाला नॉर्मल रोटी जो होता है, जस्ट लाइक दैट. घी लगाने के पहले पिंक कलर नहीं दिख रहा था बिकॉज आटा था उस पर, बट आफ्टर घी इट एक्चुअली लुक्स वेरी वेरी पिंक. इट्स आलू का सब्जी विच आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर क्योंकि मुझे आलू बहुत पसंद है. लाइक हु डज नॉट लाइक आलू? इट्स अमेजिंग. फराड़ का जो सब्जी आता है ना, लाइक उपवास में जो खाते हैं, वैसा टेस्ट है बिकॉज देर इज अ कोकोनट इन इट, सो दैट्स वाई इट्स टेस्टिंग वेरी नाइस. एकदम रिफ्रेशिंग टेस्ट है इसका. एंड अभी बाकी है दाल चावल. मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं पिंक दाल चावल खाऊंगी. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. लेट्स ब्रेक इन टू दिस अमेजिंग चावल एंड इसको मैं दाल में डिप कर देती हूँ. इट्स सो गार्लिकी. इसमें भर भर के गार्लिक डाला है, सिर्फ गार्लिक का टेस्ट आ रहा है क्योंकि मुझे गार्लिक बहुत पसंद है. लहसुन का टेस्ट इज़ लाइक एवरीथिंग. लिटरली कोई भी चीज़ में ना टेस्ट का डिफरेंस नहीं है, पर देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि यू आर मीटिंग समथिंग न्यू. लाइक अगर मुझे ऐसे कलर का दाल चावल मिले ना, मैं शायद उतना मुंह ना बनाती बचपन में जितना मैं बनाती थी. इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी वेरी यम्मी. It's high and low and in between.
Work. It's almost gonna be the sunset now and I'm super super hungry, so now it's time for snacks. I'm gonna chill after like 4 hours of intense work and I'm gonna go and grab my plates real quick. So for snacks I have such tasty stuff. I have chakli and I have sev. Sev abhi thoda orange ho gaya, but the fresh bana tha na, it was very very pink, like idhar se thoda pink hai, beech mein se bhi pink hoga. And I have kokum ka sherbet. And for me, this is relaxation is reading Harry Potter. मैंने fourth book कितनी चार बार चालू किया and छोड़ दिया. So I just skipped that one and moved on to the fifth one. मुझे बहुत मजा आता है शाम को इधर बैठ के नाश्ता करने में. And I of course changed into pajamas क्योंकि मैं पूरा दिन और trousers में नहीं बैठ सकती है. But I try to have थोड़ा सा pink in it. Yourself. हाँ ये स्वेट है लेकिन पूरा स्वेट नहीं है, ड्रॉप्ड वाटर. नॉट ओनली दैट, आज मैं जूते भी तुड़वा के आई हूँ. तो ओवरऑल जिम का वर्कआउट तो अच्छा था लेकिन आई एम सो टायर्ड. आई नीड फूड राइट नाउ दिस सेकेंड. मैं चेंज नहीं करने वाली, कितना भी ग्रोस क्यों ना हो, मेरे को अभी खाना चाहिए. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग. हाँ मुझे थोड़ा रिलैक्स करने मिलेगा, मतलब आई एम गोना वॉच मास्टर शेफ. आजकल मास्टर शेफ का बहुत शौक चढ़ा है, इसलिए आज का जो पूरा ये कुकिंग था ना कि 2 घंटे में पूरे दिन का खाना बनाना है, इट फेल्ट लाइक अ प्रेशर टेस्ट. बट फॉर डिनर आई हैव वर्मिसेली मतलब सेवैयाँ एंड आई हैव सम बीटरूट सूप. सेवैया इज़ वन थिंग जो मैं ये वीडियो के पहले से खाते हुए आ रही हूँ क्योंकि एकदम नूडल्स जैसा टेस्ट आता है, पर बहुत हेल्दी है नूडल्स के कंपैरिजन में. आई थिंक रवे से बनता है, तो इसमें बस थोड़ा सा बीट रूट डाल देते हैं तो तुरंत कलर चढ़ जाता है. एग्जैक्टली हाउ आई डू इट. ये सूप को लेकर मैं थोड़ा टेंशन में हूँ क्योंकि ये कोल्ड सूप है. आज मम्मी ने कुछ अलग ट्राई करके दिया मेरे को, तो मैंने कभी ठंडा सूप ऐसे पिया नहीं है पहले, तो चक्के देखते हैं. मेकअप सब उतार दिया है एंड आई यूजली डोंट गेट टू डू दिस बिकॉज ऑफ माई डाइट, बट
आज कुछ मीठा हो जाए बिफोर बेड. सो आई हैव रसगुल्लाज ओवर हियर. इसके साथ छोटा सा डिजास्टर हुआ था, इस पर कलर नहीं चढ़ा था तो हमने बीटरूट के रस में इसको डुबा के रख दिया एंड कलर चढ़ गया है. होपफुली इसका टेस्ट अफेक्ट नहीं हुआ होगा, बट दैट इज़ टू फाइंड आउट. टेस्ट अफेक्ट नहीं हुआ, इट्स स्टिल प्रीटी गुड. एकदम मीठा है. I've told my mother, I've told my friend, but I can't bring myself to tell you what I won 1,000 coins. So that was a good game and a good day. ये वीडियो मुझे इसलिए भी बनाना था कि अपने ही फूड आइटम में कुछ अलग कर सकते हैं. वी कैन एक्चुअली टेक दी एफर्ट टू मेक एवरी डे फूड इंटरेस्टिंग, नॉट जस्ट अ चैलेंज. तो अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हो तो ये कर लो यार. मतलब अगर ग्रीन फूड करना है तो पालक का जूस डाल दो. येलो फूड तो हम रोज़ ही खाते हैं हल्दी डाल के. पिंक के लिए बीट रूट है. सो आई डोंट नो इफ आई वीडियो करना था फूड चैलेंज, बट ऑल आई लर्न इज कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के अगर प्रेजेंटेशन में चेंज किया ना, बहुत मन खुश हो जाता है. तो अगर आपको कोई भी रेसिपी काम आए या अगर आप कोई भी रेसिपी ट्राई करोगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर करना. एंड इफ़ यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो देन दैट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन गुड बाय. We had a plan, but tiny changes can be hard to understand.